So hello everyone, I am going to BITS Pilani tomorrow. There is a fest going OSIS and I have been invited as a influencer. So मैं पैकिंग कर रही हूँ और एक ड्रेस है, एक एक इस पूरे झुंड में, इस पूरे अलमारी के अंदर वो एक ड्रेस नहीं मिल रहा है उसे. तुमको भी पैक कर दे क्या? हाँ, सो मैंने आउटफिट्स डिसाइड कर लिया है. ये एक ब्लैक आउटफिट है, ये एक आउटफिट है, ये एक आउटफिट है, ये एक आउटफिट है, और एक ये है, एक ये है. सो हाँ, एक ये भी है. तो मतलब मैं दो दिन के लिए जा रही हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास पाँच तो होना चाहिए, पाँच से छः प्लस कुछ रेगुलर क्लोथ्स. ये भी चलने के लिए तैयार है. तुमको ही चलना है? हाँ, तो कोई पैक कर ले. बाबू तुमको भी जाना है तो कोई पैक कर दे. नहीं ठीक है, जाओ तब, जाओ 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 जाओ. ये यार, ये अपनी बिल्ली को ढूंढने पता नहीं कहाँ चली गई है. उसको अंदर रूम में रख के जाऊँगी. वैसे तो एक फच्ची को बोल दिया है कि वो दो दिन मेरे रूम में ही रहिए ताकि यू नो मेरी बिल्ली रह सके वहाँ पे आराम से. तो पता नहीं कहाँ गई है, मोस्टली 13th हॉस्टल गई है. चलिए देखते हैं, द कैब भी बस आने ही वाला है. मिला? ये रहा ऊपर. इधर देख, ओए बाबू बाबू. किसके ऊपर? हाँ उसके ऊपर तो चढ़ ही जाता है वो. बाबू बाबू आ जाओ. ए भगवान, मेरा कपड़ा भी गंदा कर रहा है. तो बदमाशी मत कर. तो हटो, मेरा जैकेट है, हमको जाना है अब. एक तो तुम गंदा होकर आया, मेरे जैकेट पे जाके बैठ गया है. शर्म नहीं है तुमको एकदम? दिल्ली से पिलानी का रास्ता कुछ 4 घंटे का था, लेकिन ड्राइवर्स प्रेफरेंस के कारण हमें 5 से 5.5 घंटे लगे और पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गया था. और एक्चुअली काफ़ी फन था क्योंकि हमने बीच में ऐसे 2 बार हम रुके, ड्राइवर को काफ़ी अच्छी जगह पता थी खाना खाने के लिए और चाय वाय पीने के लिए. तो ये एक मन्नत रेस्टोरेंट टाइप्स, फूड कोर्ट टाइप्स था जहाँ पर हम रुके थे, और हमने फिर चाय पी और कुछ स्नैक्स खाया. वेटर काफ़ी अच्छा था, उसको दिख गया था कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसने बिल्कुल स्टाइल में सर्व किया था सब कुछ. थैंक यू. थैंक यू.
मैं अभी चीज़ सैंडविच नहीं खाई, मैंने अपना पनीर पराठा में लेके आई थी, मैंने वही खाया, बहुत ही अच्छा लगा। लगा कि हाँ भाई ठीक है, घर का खाना है अपने पास में। जैसे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था रूम पे कि मैं ऐसे नेल पॉलिश वगैरह चेंज कर पाऊँ, तो फिर अभी ये आप स्टेबिलिटी टेस्ट देखोगे, मैंने नेल पॉलिश हटाया पुराना वाला और चलती गाड़ी में मैंने नेल पॉलिश लगा भी लिया। सो स्टेबिलिटी टेस्ट में तो मैं पास हो गई यहाँ पर। रास्ता बहुत ही प्यारा था, बिल्कुल कंट्री साइड वाली फीलिंग आ रही थी, और बीच में ऐसे कोई ऐसे रास्ते में ले जा रहे थे जहाँ पे पहाड़ वगैरह भी दिख रहे थे, और बिल्कुल वो जो क्लियर ट्रांजिशन होता है ना राजस्थान जहाँ से दिखने लगता है, वो भी ऐसे अप्रिशिएबल था। फिर हम एक बार और रुके थे ऐसे चाय पीने के लिए, यू नो रास्ते के बीच में ऐसे टपरी पे चाय पी लो, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। मतलब टपरी की चाय की इतनी अच्छी तो चाय आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है, रादर देन जस्ट मम्मी बना के दे रही है तो। और ये जीरे वाली बिस्किट साथ में ज़रूर ट्राई करना। द होल विजिट वॉज टेकन केयर बाय उसिस टीम एंड इट वॉज रियली ग्रेट। एंड हर दिन एक व्लॉग डालूंगी, मैं दो दिन वहाँ रुकी थी, ये ट्रैवल का है वहाँ पर पहुँचने का, कल आएगा फर्स्ट डे का। सो स्टे अपडेटेड और ऐसे ही देखते रहिएगा। ये मैं पहुंच गई होटल और इसके बाद हम फटाफट से तैयार होंगे और उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे। सो स्टे अपडेटेड, सी यू सून।